राधे राधे, माय मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर एन। ओके, तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और फिर उसको वन स्टेप में कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, तो आप इधर देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी टू दी पावर एन को हमने लिखा जीरो से इन्फिनिटी की पावर माइनस एस टी टी टू दी पावर एन डी टी। क्यों लिखा? बिकॉज ये आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी का कैसे डिफाइंड होता है, एल एफ टी इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो यहाँ एफ टी होता है तो एफ टी लिखते हैं, लेकिन अब हम ये एफ टी की जगह टी टू दी पावर एन है तो हमने यहाँ पे लिखा टी टू दी पावर एन, बाकी हमने सेम इंटीग्रेशन लिखा। ठीक है, तो अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान है, सबसे पहले क्या करें, इस एस टी को हमने वाई कंसिडर किया। ओके, तो उसको अज्यूम किया कि एस टी इक्वल टू वाई, यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकाली तो टी आया वाई अपॉन एस, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो ये मिला डी टी इक्वल टू वन बाई एस डी वाई। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम इस इंटीग्रल को वाई के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हमें मिला। लेकिन हाँ, इससे पहले हमें लिमिट भी चेक करनी है। तो जब टी जीरो होगा, बिकॉज ये टी की लिमिट है जीरो और इन्फिनिटी, तो जब टी जीरो होगा तो वाई क्या होगा, जब यहाँ जीरो पुट कर दे तो वाई भी जीरो आ जाएगा, और जब टी इन्फिनिटी होगा तो इसमें इन्फिनिटी पुट कर दे तो वाई भी इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखनी है कि जब टी इन्फिनिटी है तो वाई इन्फिनिटी तभी होगा जब एस पॉजिटिव है। ओके, अगर ये नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो वाई इन्फिनिटी होगा जब एस कैसा रहे, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे एस पॉजिटिव ले रहे हैं। ओके, तो जब हमने एस पॉजिटिव लिया तो हमें ये लिमिट्स मिल गई। अब बात आती है कि ये कन्वर्ट होके मिलेगा क्या, कन्वर्ट होके हमें क्या मिलेगा, ये आई इक्वल टू, मैंने इसको आई लेट कर लिया अगर, तो लिमिट मिली जीरो से इन्फिनिटी, एस टी को हमने ले लिया वाई, तो ये मिला ई की पावर माइनस वाई, और ये टी की पावर एन है तो टी की वैल्यू यहाँ से रख दी, तो ये हो जाएगा वाई की पावर एन अपॉन एस की पावर एन, डी टी की वैल्यू रखी हमने डी वन बाई एस डी वाई। ओके, देन बिकॉज ये तो इंटीग्रल वाई के टर्म में है, वाई यहाँ वेरिएबल है, एस तो नहीं है, तो एस को क्या कर दें, बाहर कर दें, तो ये हमें देगा वन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन, फिर जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई, वाई की पावर एन डी वाई। सिर्फ ये एन होगा, ये वन और माइनस वन नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट होता है गामा फंक्शन का। ये क्या कहता है कि जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन इज डी एक्स इज गामा एन। ये गामा एन की डेफिनेशन से आता है, वेयर एन इज ग्रेटर देन जीरो। तो हमें इस फॉर्म में हम लेना लेके आना चाह रहे थे एक्चुअली। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x है, यहाँ बस y है, बट यहाँ पे हमारे पास y की पावर n था जो यहाँ से आया, तो हमने 1 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, तो अब हमें यहाँ पे ये मिल गया n प्लस वन माइनस वन, यहाँ पे है n माइनस वन। तो जब n माइनस वन है तो इसकी वैल्यू हुई इंटीग्रेशन की गामा n, लेकिन जब यहाँ पे n प्लस वन है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा n प्लस वन। ओके, और इसकी ये डेफिनेशन ये कहती है कि यहाँ पे जब n होता है तो n ग्रेटर देन जीरो होता है, पर हमारे पास n प्लस वन है तो n प्लस वन ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इससे हमें ये मिल गया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर एन क्या होगा, गामा एन प्लस वन अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस वन, एन ग्रेटर वेयर एन इज ग्रेटर देन माइनस वन एंड एस इज पॉजिटिव। ओके, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। आपको अगर ये डिवीजन याद नहीं भी है तो ये बहुत ही कम पूछा जाएगा, उसके चांसेस कम होते हैं। चांसेस किसके, चांसेस 100% किसके, इसके। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और होती है कि अगर कि इफ़ एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर एन क्या हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो अगर, तो क्या रिजल्ट है कि गामा एन प्लस ये वन जो होता है वो एन फैक्टोरियल हो जाता है। ओके, तो उस केस में जो आपका लाप्लास है, लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर एन, ये हो जाता है एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। ठीक, तो हमें क्या ध्यान रखना है, जिस भी टी की पावर का लाप्लास पूछा जाएगा तो एन है अगर यहाँ, तो डिनोमिनेटर में पावर एक बढ़ जाती है, क्या हो जाता है, एस की पावर एन प्लस वन, एन चाहे जो भी हो। ठीक है, और अदरवाइज ऊपर क्या रहता है, अगर एन इधर है तो उसमें वन जोड़ के उसका गामा, और वही जो चीज़ है पावर, मतलब एन प्लस वन, वही एस के ऊपर आ गई। ठीक है, तो एक पावर बढ़ गई, नीचे बढ़ी एस के ऊपर और अंदर गामा में भी चली गई, और क्योंकि गामा एन प्लस वन इसके एक कम का फैक्टोरियल होता है, यानी कि वन हटा दें इसका फैक्टोरियल होता है अगर एन पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो हम ये रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक,
कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर एन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, अगर हमारे पास है, हमें निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर 11/2, तो इसको क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको फॉर्म में अभी बताया कि जो ये पावर है एन, इसमें वन ऐड करना है, तो हमने लिखा गामा 11/2 + 1, और सेम चीज़ हमने नीचे लिख दी, ओके, अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला। अब इसका गामा 11/2 + 1 को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है गामा एन प्लस वन के लिए, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, उसका भी मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो उसको मैं अगर यूज़ करूँ तो क्या हो जाएगा, इस 11/2 को यहाँ लिखा सबसे पहले, फिर 11 में से, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है अभी, ठीक है, तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आया 9, ठीक है। तो क्यों हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमें 1 घटाना होता है, तो 2 यहाँ गया तो क्या आया 9/2, ठीक है। तो बेटर क्या है कि हम इसमें से इसे घटा दें, तो ये हमने यहाँ से देख के लिखा 11/2, 11 में से 2 गया 9, तो 9/2, 9 में से 2 गया 7, तो 7/2, 7 में से 2 गया 5, 5/2, 5 में से 2 गया 3, 3/2, 3 में से 2 गया 1, तो 1/2। अब न्यूमरेटर छोटा हो चुका है, तो इसका गामा, ठीक है, तो गामा हाफ़ की वैल्यू होती है अंडर रूट पाई, ये जो गामा हाफ आता है इसकी वैल्यू होती है रूट पाई, ठीक, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है रूट पाई, ओके। और मैंने कहा था आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि जो ऊपर पावर है वही नीचे हो जाती है एन प्लस वन, तो ये 11/2 + 1 हुआ, यानी कि 13/2। तो इस तरह से हम वन स्टेप में इस गामा को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको टाइम लगेगा करने में, ठीक है। तो अगर आता है आपको इसको निकालना, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ओके। लेकिन अब मान लीजिए एक और एग्जांपल है हमारे पास, जिसमें हमारे पास है L(t^5), यानी कि यहाँ पे इंटीजर है। तो जब हमें पता है इंटीजर है, तो सीधे हम इसको गामा एन प्लस वन ना लेके सीधा इसका फैक्टोरियल लिख दें, तो ये हो गया 5 × (s^6), ठीक। तो नीचे तो डिनोमिनेटर पावर बढ़नी ही बढ़नी है, अगर ऊपर इंटीजर नहीं है तो आप गामा में उसमें प्लस वन करके लिख दीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट उसका फैक्टोरियल लिख दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मैं अभी इस पर आगे और वीडियोस बनाऊंगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर, आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलेगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, ओके। टेक केयर, राधे राधे।